खरगोन जिले में गहराता जल संकट अब आंदोलन का रूप लेते नजर आने लगा है। शुक्रवार को ग्राम पंचायत इदारतपुर के ग्रामीण पानी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। समस्या हल नहीं होने तक धरने की चेतावनी देते हुए महिलाओं ने प्रवेश द्वार पर धरना देकर भजन शुरू कर दिए। कलेक्टर सहित डिप्टी कलेक्टर उन्हें समझाइश देने के लिए मिलने भी आए, लेकिन ग्रामीणों ने दो टूक कहा कि एक साल से जल संकट से जूझ रहे हैं। शिकायत के बाद भी प्रशासन ने समस्या हल नहीं की, यही कारण है कि उन्हें आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ा। जिला पंचायत CEO दिव्यांग सिंह ने बताया, जिले में कम बारिश के चलते पेयजल संकट गहराया है। यह समस्या जिले के हर ब्लॉक में सामने आ रही है। खरगोन ग्रामीण में ज्यादा समस्या है। पेयजल का स्थायी हल नहीं होने से प्रशासन भी निराकरण नहीं कर पा रहा है। फिलहाल परिवहन से व्यवस्था कर रहे, वहीं पिपरी तालाब से भी कई गांवों में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने के प्रयास हैं। इदारतपुर में एक दो दिन में पिपरी तालाब से पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला है? क्या समस्या आ रही गाँव? पेयजल नहीं, पिछली जनवरी से हम पानी खरीद के ला रहे पलकवाड़ा से। पंचायत ने कोई व्यवस्था नहीं की, कोई व्यवस्था नहीं पानी। अभी कहाँ से ला रहे हैं? अभी पलकवाड़ा से खरीद के ला रहे हैं, 700 रुपये टैंकर, 8 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं। क्या मांग करी आपने? मांग ये है कि हमको पेयजल उपलब्ध कराया जाए। अगर आपकी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? अभी हम यहीं बैठेंगे, धरना देंगे। तो अभी साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? अभी आश्वासन दिया है कि दो रोज में पानी चल करवाएंगे। क्या नाम है आपका? और पटेल। अभी कहाँ से पानी? पानी कहाँ से ला रहे हैं आप लोग? पानी जामला में ढेर हो रहा, हमको देव लगे जामला लहर कितनी बड़ी हो रही। हमारा गांव का पास ही जगह कृष्ण का पैसों जल रहा हूँ। नहीं भी आप साहब से मिले, बातचीत भी करी आपके, क्या आश्वासन मिला? क्या बोला उन्होंने? सर बस ही जब दो कड़ी कहकर से लिख गया जो हमने लिखित मांगे दिए नहीं हमको लिखी कर। क्या नाम है आपका? उतारो हम ज्यादा बोलने लगे। क्या नाम है आपका? गायत्री भाई। क्या है मामला? इस वर्ष में बारिश जो है पूरे खरगोन में काफ़ी कम हुई है। बहुत सारे इलाके हैं जो सूखे की चपेट में हैं। उसके लिए हम लोग पानी की व्यवस्था करने का कोशिश कर रहे हैं। एक ही क्योंकि पानी का स्रोत जो है पिपरी तालाब, उसी पे बहुत सारे गांव निर्भर हैं। जल का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा गिरा था, उसकी वजह से जो पंप चल रहे थे जो आपका कुएँ थे वो पूरे सूख गए हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक ही दरिया है पिपरी तालाब, वहाँ से हर जगह पानी पहुँचा सके। काफ़ी सारी जगह में हम लोगों ने जो PHE की योजना थी उसको चेंज करके कोशिश कर रहे हैं पहुँचाने की, और पहुँचाया भी है। जहाँ पर निजी तौर पे कुछ जो किसान हैं उन्होंने हमारी मदद करी है, तो उनकी मदद से भी हम लोग पहुँचा रहे हैं। जहाँ पर जहाँ तक हम लोग पहुँचा सकते थे वहाँ पहुँचा दिया है। उसके बाद जो जो इलाके रह गए, कुछ अभी भी एरिया ऐसे रह गए हैं जहाँ पर पानी हमारे पाइपलाइन से नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ पे हमें पिछली बार भी परिवहन करना पड़ गया था, इस बार भी परिवहन करना पड़ रहा है। लेकिन परिवहन ना करना पड़े और उन्हें जो है पाइपलाइन से पानी पहुंच जाए, उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो पंचायत के पास निधि है उस निधि से हम लोग टेम्प्ररी पाइप डालने की भी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक पिपरी तालाब का पानी आ जाता है उससे आगे अगर हम लोग पाइपलाइन डाल के या निजी पाइपलाइन से कोशिश कर पाएंगे तो उससे हम लोग कर रहे हैं। संभवतः आज या कल तक ये जो समस्या है पिपरी की पानी की वो काफ़ी हद तक सुलझ जाएगी। जिले में से कितने गांव हैं? जिले में हर ब्लॉक में लगभग 15 से 20 पंचायतें ऐसी हैं जहां पे पानी की समस्या है, लेकिन खरगोन जनपद में ज़्यादातर समस्याएं आ रही हैं क्योंकि यहां पे जल स्रोत बहुत ज़्यादा गिरा है। और बाकी जनपदों की तरह यहाँ पे कोई परमानेंट सोर्स नहीं है पानी का, कोई ऐसे नहर नहीं है या किसी तरीके की चीज़ नहीं है जिससे परमानेंट पानी मिलता रहे, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा समस्या हो रही है। बाकी जगह भी समस्या हुई थी लेकिन हमने उसका निराकरण किसी नहीं। जिले में सर बारिश कम हुई है, फिर भी जिले को सूखा क्यों नहीं घोषित हुआ? अब सूखा घोषित करना हम लोगों के हाथ में नहीं होता। सूखा घोषित के लिए हम लोगों ने लिखा भी था, सारी जानकारियाँ पानी की जो वर्षा होती है उसकी सरकार के पास जाती है, उसका एक पूरा फॉर्मेट होता है, उसके हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं जिले से उस चीज़ का कोई लेना। क्या नाम सर आपका? ये हमारे इदारतपुरा पंचायत की घटना है और वहाँ पर गंभीर जल संकट है, स्थिति बद से बदतर बन चुकी है।
इसके बार बार निवेदन आवेदन मिलना, कलेक्टर महोदया को अवगत करवाना, उसके बाद में भी पूरा प्रशासन कान में रुई ठूस कर बैठा है, कोई सुनने को तैयार नहीं, इसलिए हमको यहाँ आना। क्या आश्वासन मिला भी आपके जिला पंचायत साहब से मिले? जिला पंचायत उन कुओं को अधिकृत करवाना की बात करता है जिसमें पानी है नहीं, अगर कुछ है तो ख़त्म हो जाएगा। स्थाई समाधान इनके पास था कि समय रहते हमको पिपरी तालाब से पानी मिल सकता है, मगर वो बोलते हैं कि हमारे पास राशि की कमी है। मैंने उनको अवगत करवाया कि प्रशासन शासन के पास राशि की कोई कमी नहीं है, पर वास्तव में इनकी मनसा गाँव को पानी देने की है नहीं, केवल नौटंकी कर। अब क्या करना है, जैसे कार्रवाई नहीं होती है, क्या आगे क्या कार्रवाई रहेगी? हमने इनके सामने एक विकल्प रखा, मगर उस विकल्प से भाग रहे हैं कि भाई आपको पैसा भी नहीं लगेगा और काम भी हो जाएगा। पास में माइक्रो उद्वहन जामला से 2.5 करोड़ रुपए अगर वो पावर हाउस को डाल देते हैं तो पानी का निदान हो जाएगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में 2 तालाब हैं, जलज्योति और बाबरचा जलज्योति तालाब और गुझारी तालाब और मंगरपाट, जिसमें आउटलेट के माध्यम से पानी हो सकता है और बड़ी आसानी से, उनका भी मानना है। पर उस क्षेत्र में शासन का, यहाँ के जिला प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, NVDA की मनमानी है, इसके कारण चलते किसानों को और ग्रामीणों को अपने मजदूरों को बच्चों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, पशुपालन बेचना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? गोपाल पाटीदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।